नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका बीबीसी लाइव न्यूज में। बिलासपुर की बेटी साक्षी दुबे के एम्स में आत्महत्या करने के पश्चात अब सामाजिक संस्थाओं ने तूल पकड़ लिया है। साक्षी को न्याय दिलाने जगह जगह मोर्चे खोले जा रहे हैं। इसी तारतम्य में मानवता संस्था द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम दिया गया। बिलासपुर की बेटी साक्षी दुबे आत्महत्या मामले में कोई ठोस कार्रवाई न होगा देख अब मानवता ने साक्षी के परिजनों को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है। टीम मानवता ने इस कड़ी में बिलासपुर के रिवरव्यू में काफी संख्या में एकत्रित होकर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान साक्षी के पिता सुरेंद्र दुबे भी आयोजन में पहुंचे। मानवता के संस्थापक राजू चौबे ने बताया, हमारी मांग है इसके स्वतंत्र न्याय की जांच हो जिससे सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने बताया कि यूं ही कोई आत्महत्या नहीं करता उन्होंने कहा एम्स के एचओडी डॉक्टर नरेंद्र बौदे की गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं। हमारी मांग है एवं प्रशासन सबसे पहले उनके पद से तत्काल हटाए जिससे जांच निष्पक्ष हो सके। इस दौरान भारी संख्या में शहरवासियों को हुजूम बेटी को श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा। हर शख्स एम प्रशासन के लिए समान व्यवहार से रुष्ट है और न्याय की गुहार करते हुए शासन प्रशासन से मांग कर रहा है। बताते चले कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। एक बताई कि पापा फोन नहीं उठा रही करके, तो मैं भी लगाया तो नहीं उठाई। फिर उसकी दीदी को बोला, लगा देख बेटा फोन, वो भी लगाई तो नहीं उठाई। मैं बोला वार्डन से बात कर, वार्डन से बात किए तब वो वार्डन बताई। उसके बाद फिर रात को 8:30 बजे तुरंत फिर हम लोग रायपुर निकले। आपका परिचय बताइए, आपका नाम, अपना नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार दुबे। तो उपस्थित हुए हैं टीम मानवता के लोग। हमारे शहर की एक बच्ची, हमारी छोटी बहन साक्षी दुबे, जिन्होंने एम्स में पढ़ाई कर रही थी, जो मेडिकल स्टूडेंट थी, और किसी प्रताड़नावश उन्होंने जो है, कुछ लोगों के प्रताड़नावश उन्होंने सुसाइड जैसा एक मतलब एक बहुत बड़ा कदम उठाया। आज उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, उनके परिवार को न्याय मिल सके, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक अनशन का प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ था कि 2 मिनट का, कि हम उनके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और कैंडल मार्च निकाल सकें। हम इस अनशन के माध्यम से एम्स प्रशासन को एक संदेश देना चाहते हैं कि जिन पर भी मतलब जिन्होंने भी उस बच्ची को प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से आज उस शहर की ये बेटी जो है हमारे बीच उपस्थित नहीं है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए उसके पद से और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि उसके परिवार को न्याय मिल सके। आज हम यहाँ पर अभी सिर्फ एक कैंडल मार्च निकाल के उनको एक संदेश दे रहे हैं। इसके बाद अगर प्रशासन उस पर एक्शन नहीं लेता तो हम सभी जगह पे अभी धरना प्रदर्शन करेंगे और सभी जगह पे ज्ञापन पहुंचा रहे हैं। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। अब मिलते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।